विक्टर फ्रैंकल वन ऑफ द वेरी फ्यू सर्वाइवर्स थे नाजी जर्मनी के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स की, एंड उन्होंने उन एक्सपीरियंसेस एंड लेसन को डॉक्यूमेंट किया है इन द बुक मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, जो कि संदीप महेश्वरी ने रिकमेंड करी वन ऑफ द टॉप बुक्स है। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, जिससे आपको ये अंदाजा हो कि ये कैंप्स कितने घिनौने होते थे। सच बताऊं तो इस बुक के कुछ पैराग्राफ्स पढ़ते पढ़ते मेरी तो आंखें भर आईं। कुछ पैराग्राफ तो मुझे स्किप करना पड़ा बाय विजुअलाइजिंग द टॉर्चर्स जो हुए थे उन लोगों के साथ, और साथ में ये एहसास भी हुआ कि हम सब कितने खुशनसीब हैं। हाँ, 2020 में कोरोना पैंडेमिक को चलते देख सिचुएशंस अच्छी तो नहीं है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के टॉर्चर्स एंड एक्सपीरियंस को जब जाना तो मुझे लगता है कि हम सब बेहद खुशनसीब है कि हम इस दौर में जी रहे हैं। इस बुक को ऑथर ने दो पार्ट में बताया है। वन पार्ट इज द हॉरिफिक एक्सपीरियंस ऑफ द कैंप्स, एंड सेकंड है द सर्वाइवल लेसंस लर्नड उन एक्सपीरियंस से, एंड हम सब क्या क्या सीख सकते हैं ऑथर से। एंड पढ़ते पढ़ते मुझे ये भी लगा कि कहीं ना कहीं महाभारत जैसी गाथा भी इसी का प्रमाण है। 5000 वर्ष पूर्व जो भीषण युद्ध छिड़ा था अधर्मी लोगों के कारण, उसमें एक छिपा धर्म ज्ञान भी था। कहीं सारे लेसंस है जो हम सीख सकते हैं एंड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे? वेल, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, अगर आप इस चैनल बुक ज्ञान पर पहली बार आए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन पर भी क्लिक करना, ताकि आप ऐसे ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक समरीज एंड मिस्ट्रीज एंड टीचिंग्स ऑफ एंशियंट स्क्रिप्चर्स सच एज भगवद गीता मिस ना करें। तो चलो बुक ज्ञान चैनल के साथ करें आज के ज्ञान की शुरुआत। जय श्री कृष्ण दोस्तों। विक्टर फ्रैंकल एक बहुत ही रिनाउंड साइकेट्रिस्ट थे, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में वो केवल एक प्रिजनर की लाइफ जी रहे थे। ऑथर बताते हैं कि नाजी जर्मनी के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स इतने घिनौने होते थे कि वहां पे लोग सिर्फ और सिर्फ एक नंबरिंग सिस्टम से जाने जाते थे। बस हर एक इंसान के सारे डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग पासपोर्ट लिए जाते थे, यानी उनकी कोई पहचान ही नहीं थी, बस केवल एक नंबर। एंड हाँ, हालातों को बयां करने के लिए आपने स्टार्टिंग में पिक्चर्स तो देख ही लिए। एक एग्जांपल बताओ तो कैंप्स में अगर कोई इंजर्ड हो जाता था, जो कि काफी नॉर्मल था, तो बैंडेजेस भी नहीं होते थे, इंस्टेड उन्हें पेपर से ही काम चलाना पड़ता था। इसमें ऑथर का नंबर था 19104, एंड उनका मोस्ट ऑफ द टाइम्स काम होता था एक गड्ढा खोदना बिना किसी के हेल्प लिए। कई बार ऑथर एंड उनके साथी प्रिजनर्स को अपने सारे वस्त्र निकालकर उनको पूरी तरह शेव किया जाता था, एंड देन ठंडे पानी में नहाने लगाते थे, वो भी जर्मनी जैसी ठंडी जगह पर। फिर उन्हें सोने के लिए 6.5 फीट की जगह दी जाती थी, जहां 9 लोगों को एक साथ सुलाया जाता था। कई लोग अपने मैले शूज को टकिया बनाकर सोते थे। हर किसी के पास केवल एक ही शर्ट होती थी पहनने को करीब करीब 6 मंथ्स तक, जब तक कि वो शर्ट पूरी तरह फट ना जाए। एंड ऑथर इन सारी हालात में भी खुश रहना सीख गए थे, क्योंकि उन्हें एक चीज समझी थी कि इससे बुरा उनके लाइफ में और कुछ नहीं हो सकता था। एंड इन सारों में ऑथर ने जो लैटरिन एंड टॉयलेट की हालात बयां की है, वो पैराग्राफ में पूरा पढ़ ही नहीं पाया। इस पॉइंट पर आकर मैं मन में ऑलरेडी सोच रहा था कि हमारी लाइफ कितनी ब्लेस्ड है एंड हमें कितना शुक्रगुजार रहना चाहिए फॉर ऑल दैट वी हैव टुडे। ऐसे ही एक किस्सा था एक 12 साल के बच्चे का, जिसे स्नो में भी काम करवाया जाता है, वो भी बिना शूज के। यहाँ तक कि उसके पैर इतने ठंडे पड़ जाते हैं कि उसे गैंग्रीन हो जाता है उस पार्ट में, एंड फिर डॉक्टर को केवल एक नाइफ से पार्ट को कट करना पड़ता है। कई बार ऑथर को -16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वाटर पाइपलाइन का काम दिया जाता। इतनी ठंड में ऐसा काम देना, ये सोचकर ही दिल घबराता है। दोस्तों सच बताओ तो मैं किसी 3 पेजेस को एक साथ पढ़ ही नहीं पाया, इमेजिनिंग कि कितना घिनौना लाइफ रहा होगा उन सारे प्रिजनर्स का। ऑथर के वाइफ एंड सारे फैमिली मेंबर्स की कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में मृत्यु हो जाती है, लेकिन ऑथर ने फिर भी जीने का होप नहीं छोड़ा, एंड इसलिए वो जिंदा रह गए। एक और एग्जांपल दूं तो प्रिजनर्स को शू लेसेस की जगह वायर दिए जाते थे टाई करने के लिए। अब इतनी ठंड में बिना शूज के रहना पॉसिबल नहीं था, एंड वायर्स के कारण पैर में ब्लीडिंग होता था, बट उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। खाने के लिए बस एक ब्रेड का छोटा सा टुकड़ा एंड 3 दिन में एक सूप मिलता। अगर कोई भी इंसान वीक पड़ जाता तो उसे गैस चैम्बर्स यानी भट्टी में डाल के मार दिया जाता था, क्योंकि उनका कोई यूज नहीं था नाजी जर्मनी को। अब एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ इस बुक का। ऑथर का एक फ्रेंड था जो उनके साथ उस प्रिजन में रहता था। एक दिन अराउंड फरवरी 1945 में वो ऑथर को कहता है कि कल रात मुझे एक सपना आया कि मैं रिहा होने वाला हूँ। ऑथर उनसे पूछते हैं कि कब, तो वो दोस्त उन्हें बोलता है 30 मार्च को। अब कुछ टाइम बीत जाता है, मार्च का लास्ट वीक आता है, लेकिन ऑथर के फ्रेंड को कोई सिग्नल नहीं दिख रहा कि वो रिहा होने वाले हैं। आखिर 29 मार्च को वो पूरी तरह बीमार पड़ जाता है। 30th को वो कम्प्लीटली अनकॉन्शियस हो जाता है, एंड 31st मार्च को उसकी डेथ हो जाती है। एंड ये वन ऑफ द आई ओपनिंग इवेंट होती है ऑथर के लिए,
ऑथर सेल्फ एनालिसिस करते हैं कि जो प्रिजनर इतने सारे टॉर्चर सहता रहा, सडनली ऐसे क्या हुआ कि वो मर गया। एंड ही रियलाइज कैसा इसलिए हुआ क्योंकि उस फ्रेंड को अब फ्रीडम का होप दिखाई दिया था ऑन 30th of March। एंड जैसे उसे लास्ट वीक ऑफ मार्च में ऐसा लगा कि कुछ नहीं होने वाला, ही लॉस्ट ऑल हिज होप ऑफ लिविंग एंड इसलिए उसकी डेथ हो गई। अब एक इंटरेस्टिंग बात जो ऑथर को रियलाइज हुई थी वो ये है कि मोस्ट ऑफ द प्रीवियस डेथ हैपेंड बिटवीन क्रिसमस एंड न्यू ईयर, और इसके पीछे रीजन था होप। बहुत से प्रिजनर्स को लगता था कि शायद क्रिसमस एंड न्यू ईयर में उन्हें रिहा किया जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं एंड ऑलमोस्ट एवरी प्रिजनर लॉस्ट देयर होप टू सर्वाइव एंड इसी लॉस ऑफ होप के कारण उनकी मौत हो गई। इसलिए ऑथर ने कंक्लूड किया कि बस वही लोग जो जीने का पर्पस एंड मीनिंग को जानते थे वही जिंदा रहे, बाकी कोई नहीं। ऑथर कहते हैं कि ही हु हैज अ व्हाई टू लिव फॉर कैन बेयर विद ऑलमोस्ट एनी हाउ। इंसान को जीने का मकसद नहीं खोना चाहिए। चलो अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं, यानी कि लाइफ लेसंस पे जो इस बुक से ऑथर हमें बताना चाहते हैं। नंबर वन, मीनिंग ऑफ लाइफ। ऑथर बताते हैं कि जीने का मकसद एंड मीनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए फॉर एवरी मैन। एक एग्जांपल दूं तो हमारा कॉलेज सिस्टम ऐसे बना है कि बस एक डिसाइडेड सिलेबस को पढ़ते जाओ, बुक्स को रट्टा मारो, एग्जाम्स में याद करके लिखो एंड मार्क्स लाओ बस। पर कितना जरूरी है हर इंसान को यह जानना कि उनके जीने की मीनिंग क्या है, पैशन क्या है, व्हाट इज इट दैट दे लव द मोस्ट। अगर किसी चीज को करने से फुलफिलमेंट मिलती है तो कहीं ना कहीं इसी चीज से शुरुआत हो सकती है टू फाइंड द मीनिंग ऑफ लाइफ। दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई ऐसा काम है जो आपको बहुत पसंद है करना तो बिना देर किए बस उस काम को शुरू कर दो। गिव योरसेल्फ वन चांस टू नो व्हाट यू लव द मोस्ट। नंबर टू, एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम। यहाँ पे ऑथर ने दो टर्म बताए है जो मैंने कुछ महीनों पहले गौर गोपाल दास के एक वीडियो में भी देखा था, विच इज नंबर वन कॉन्फॉर्मिज्म, वो चीज करना जो दूसरे करते हैं। नंबर टू टोटलिटेरियनिज्म, वो चीजें करना जो दूसरे चाहते हैं तुमसे करना। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि इंडिया दुनिया के सबसे ज्यादा इंजीनियर प्रोड्यूस करने वाला देश है पूरे विश्व में, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह भी है एज पर इकोनॉमिक टाइम सर्वे कि 94% ऑफ इंजीनियर्स इन इंडिया लैक एम्प्लॉयबल स्किल सेट। एंड ये इसलिए क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीवन जस्ट कन्फर्म। अब सबने 3 इडियट्स तो देखी होगी जिसमें आमिर खान ये बात समझाते हैं, वो काम करो जिसमें पैशन है, ना कि वो जो दुनिया करती है या दुनिया तुमसे करवाना चाहती है। नंबर थ्री, मीनिंग ऑफ सफरिंग। अगर हम किस ट्रेजिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं एंड जब ऐसा लगता है कि कुछ हो नहीं रहा, तो मोस्ट लाइकली एक अच्छा टाइम होता है हमारी लाइफ को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए। एक बार ऑथर के पास एक बुजुर्ग आदमी साइकोलॉजी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। वो 2 साल से डिप्रेशन में था क्योंकि उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी। वो ऑथर को बताते हैं कि शी वॉज हर होल वर्ल्ड, अब वो जीना नहीं चाहते, वो बहुत पेन में है एंड सो ऑन। अब ऑथर उनकी सारी बातें सुनते हैं एंड देन उन्हें बोलते हैं कि इमेजिन करो कि अगर ऐसा होता कि आपकी डेथ पहले हो जाती एंड आपके बिलव्ड वाइफ की बाद में, तो आपके वाइफ को भी इसी पेन से गुजरना पड़ता, तो क्या आपको अच्छा लगता वो भी ऐसे ही डिप्रेशन में चली जाती। वो पेशेंट काफी देर सोचकर मुस्कुराता है, ऑथर से हाथ मिलाकर फिर खुशी से चला जाता है। एसेंशियली उसे समझ में आता है कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। एंड यही एग्जैक्ट थॉट प्रोसेस होनी चाहिए हम सब की जब भी हम किसी पेन या फेलियर से गुजर रहे हो। इस टॉपिक का बेस्ट एग्जांपल है स्टीव जॉब्स की लाइफ जर्नी। जब स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाला गया था तब वे भी काफी डिप्रेस थे कि हाउ कैन अ पर्सन बी रिमूव्ड फ्रॉम द वेरी ओन कंपनी ही स्टार्टेड। एनीवेज आगे चलकर उन्होंने पिक्सार बनाई जो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एनिमेशन कंपनीज बनी वर्ल्ड की। एंड फिर कई सालों बाद वो फिर से एप्पल के सीईओ बन गए। इस एक्सपीरियंस से स्टीव जॉब्स ने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया है, विच इज कनेक्टिंग द डॉट्स। वी कैन ओनली अंडरस्टैंड लाइफ कनेक्टिंग द डॉट्स बैकवर्ड्स। दोस्तों ये बुक अपने आप में ही एक लाइब्रेरी है। मैंने अपने एंड से कई सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की एंड उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो, क्योंकि ये बुक संदीप महेश्वरी जी ने रिकमेंड करी है। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इस बुक को आप जरूर पढ़ें, स्पेशली अगर आप लाइफ के एक वर्स्ट फेज से गुजर रहे हो। मैं दावे के साथ कहता हूं कि विद इन फर्स्ट 5 पेजेस आपको एहसास होगा कि आप कितने लकी हो आपकी जिंदगी में कंपेयर टू ऑथर ने जो डिस्क्राइब किया है। मैंने इस बुक की Amazon लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है अगर आप इसे खरीदना चाहो तो। नाउ हमेशा की तरह हम हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर से कुछ सीख लेंगे अराउंड दिस सिमिलर कॉन्सेप्ट, क्योंकि लास्ट पॉइंट मीनिंग ऑफ सफरिंग ही था, तो उसी से रिलेटेड मैं कुछ बातें शेयर करता हूँ जो आप सबको पता तो जरूर होगी लेकिन उसके पीछे सीख काफी जरूरी है समझना। मीनिंग ऑफ सफरिंग, दोस्तों
महाभारत युद्ध के सबसे भीषण पीड़ा का उदाहरण है द्रौपदी के साथ हुए भरी सभा में अन्याय। उससे दुखदायी शायद ही कुछ हो सकता है एक स्त्री के जीवन में। लेकिन जब श्री कृष्ण उन्हें सांत्वना देने आते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि इस पीड़ा को बस स्मरण करते रहो और हमेशा के लिए दुखी रहो, या फिर इस पीड़ा से उत्तरदायित्व लो समाज के सारी स्त्रियों का, जिन्हें शायद ऐसे ही व्यवहार से व्यतीत होना पड़े यदि अधर्म इस दुनिया में बढ़ता जाए। एंड आप जानते ही हो कि महाभारत युद्ध होने का यह सबसे बड़ा कारण था। एंड इसी युद्ध के कारण धर्म की पुनर्स्थापना हुई संपूर्ण आर्यवर्त में। जो होता है अच्छे के लिए होता है, यह जानकर अपने आप को ईश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पित कर देना। मीनिंग ऑफ लाइफ। दोस्तों, महाभारत युद्ध के शुरू होने से पूर्व श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को भगवद गीता सुनाई थी, जिससे अर्जुन पूरी तरह आत्मबल से संपूर्ण हो गए। इसी वार्तालाप के दौरान श्री कृष्ण जी ने मीनिंग ऑफ लाइफ यानी जीवन का अर्थ भी समझाया था अर्जुन को। आज मैं दो श्लोक शेयर करता हूँ आप सबके साथ, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं सीक्रेट्स ऑफ भगवद गीता पर अक्सर संडेज को लाइव करता हूँ। ऊपर दिए गए आई बटन लिंक पर क्लिक करके मेरे पहले दो लाइव आप देख सकते हो, जिसमें मैंने कहीं ही सारे मिस्ट्रीज बताई है। तो चलो दूसरे अध्याय का 14वां एंड 15वां श्लोक। मात्र स्पर्शस्य तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमनापायो नित्यास तंस्थिति क्षव भारत। अब यहाँ पे मात्र स्पर्श कॉन्टैक्ट ऑफ सेंसेस, तू इंडीड, कौन्तेय अर्जुन, शीत विंटर, उष्ण समर, सुख हैप्पीनेस, दुख डिस्ट्रेस, दह गिव, आगम कम, अपायिनो गो, अनितय नॉन परमानेंट, तन देम, तितिक्षस्व टॉलरेट, भारत डिसेंडेंट ऑफ भारत। अब इसका मतलब है कि हमारे सेंसेस के अनुभव से सुख तथा दुख प्राप्त होते हैं, किंतु ये दोनों भी आते जाते रहते हैं, जैसे गर्मी एंड सर्दी का मौसम। इसलिए हमें हर सुख तथा दुख को बस टॉलरेट करना चाहिए विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब। अब अगला श्लोक। यम ही न व्यथन्यति पुरुषामं पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सोम मृत्वाय कल्पते। यम यानी हुम, व्यथन्ति डिस्ट्रेस्ड, पुरुषम पर्सन, पुरुषर्षभ नोबलेस्ट मैन अर्जुन यहाँ पे, सम इक्वल दुख सैडनेस, सुख हैप्पीनेस, धीरम स्टेडी, सह दैट पर्सन अमृतत्व लिबरेशन, कल्पते एलिजिबल। अब इसका मतलब है कि ऐसे लोग जो सुख दुख से अफेक्ट नहीं होते एंड स्टेडी रहते हैं, ऐसे ही लोगों को अमृतत्व यानी लिबरेशन प्राप्त होता है। दे आर फ्री फ्रॉम एवरी बॉन्डेज एंड फ्रीडम इज द ट्रू एसेंस ऑफ लाइफ। नाउ टू एंड। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की बुक समरी एंड इनसाइट फ्रॉम भगवद गीता आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाना, साथ ही कमेंट भी करना कि आप कब तक इस बुक को पढ़ोगे, क्योंकि खुद संदीप महेश्वरी जी ने भी इसी बुक को रिकमेंड किया है। शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि वे भी मोटिवेट एंड इंस्पायर हो जाए टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।